नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतिश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में भाजपा से मनन कुमार मिश्रा, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। बिहार विधानसभा सचिव के कार्यालय में भाजपा के मनन कुमार मिश्रा, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। संघ लोक सेवा आयोग की सीधी बहाली को नरेंद्र मोदी सरकार के रद्द करने के फौरन बाद पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन काम कर रहे कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने प्रमुख वैज्ञानिक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के 368 पदों की बहाली में आरक्षण खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एकद पद पर नियुक्ति की अधिसूचना निकालकर सभी पदों को अनारक्षित घोषित करके दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त किया गया है। तेजस्वी ने इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से सवाल भी किया। जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोग को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है, एक इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। खबर हाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति मोर्चा और भीम आर्मी द्वारा भारत बंद का आह्वान किया, जिसका हाजीपुर में भी व्यापक असर देखने को मिला। हाजीपुर BSNL गोलंबर पर हाईवे को बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पर बंद कर दिया, जिसके कारण बड़े छोटे वाहन की लंबी कतार लग गई। वहीं भारत बंद वैशाली पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सभी चौक चौराहे पर यातायात पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए है। इसके अलावा इलाका भी पूर्ण रूप से जाम कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बालेंद्र दास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है, जिसको लेकर हम लोग सड़क पर हैं। अगर इसकी भी बात नहीं बनी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, हाजीपुर का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, सड़कों को बंद करके रखा हुआ है, जाम लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, SC ST आरक्षण के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जनजाति मोर्चा और भीम आर्मी द्वारा भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका हाजीपुर में भी व्यापक असर देखने को मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे गाड़ियों को जलाया जा रहा है, रोड को जाम किया जा रहा है, प्रदर्शनकारी किस तरह से वहां हंगामा कर रहे हैं, गाड़ियों को वापस लौटने के लिए बोला जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हाजीपुर BSNL गोलंबर पर हाईवे को बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोगों ने सड़क बंद कर दिया है। आपको बता दें, जिसके कारण बड़े छोटे वाहन की लंबी कतार भी लग गई है। आज पूरा भारत बंद होने का आह्वान हुआ है।
अनुसूचित जाति जनजाति जो क्रीमी लेयर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको आरक्षण में छेड़छाड़ करने के विरोध में आज जो भी बंद है वो भारत, उसमें हम लोग का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको वापस लिया जाए और केंद्र सरकार इसको नौवीं सूची में डालकर अनुसूचित जाति को आरक्षण का जो दायरा है उसको सम्मिलित करे। इसीलिए आज पूरे भारत बंद में, आज हाजीपुर में पूरा हाजीपुर बंद है और इसी के सफलता के लिए हम लोग ने कल से पूरे आह्वान किए थे। सुशासन के पुलिस को चुनौती देते हुए हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड 5 में अपराधियों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी आराम से हवा में हथियार लहराते हुए भाग निकले। बता दें कि वार्ड 5 के पार्षद पंकज रॉय ने अपने दरवाजे पर बैठे थे, इसी बीच बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने पार्षद पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन पर गोलियों की बौछार भी की गई, दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई, उनके शरीर में लगभग 5 गोली लगी। उसके बाद दहशत फैलने के लिए अपराधियों ने हथियार को हवा में लहराते हुए हवाई फायरिंग करते हुए वहां से वो भाग निकले। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा पार्षद को निजी क्लिनिक में ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अब खबर है झारखंड से। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का पलामू में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बंद समर्थकों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद समर्थकों के सपोर्ट में कांग्रेस, झामुमो, राजद, बसपा सहित विभिन्न दलों का समर्थन मिल रहा है। बंद समर्थक हाथों में तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस बंद के कारण आवागमन ठप होने की कई यात्रियों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग एकजुट हो चले हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह प्रदर्शन जारी है। भारत बंद का पलामू में व्यापक असर देखने को मिला है। ये पूरा मामला जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पलामू का है। आपको इसी के साथ ये भी बता दें, बंद समर्थकों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को पूरी तरह से जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और अभी भी कर रहे हैं। बंद समर्थकों के सपोर्ट में आपको बता दें, कांग्रेस, झामुमो, राजद, बसपा सहित विभिन्न दलों का समर्थन है। बंद समर्थक हाथों में तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज हम लोग आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के समर्थन में भारतीय जनता दल पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। पूरे भारत में आरक्षण में वर्गीकरण हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ओबीसी, फिर एससी, एसटी, यह केंद्र सरकार के जो नीति चल रहा है यह ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए बहुत ही घातक विषय है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का हम लोग पूरे राज्य में, जिला में, देश में समर्थन किए हैं और इसके लड़ाई के लिए हम लोग रोड पर, सड़क पर उतरने का काम किया। आरक्षण बचाओ समिति के साथ हम लोग हर समय हैं। आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। एससी एसटी मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी आरक्षण को वर्गीकृत किए जाने के फैसले को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के तहत बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में एससी एसटी मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद करते हुए सड़क को जाम कर रहे हैं। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्र के से लेकर आपको बता दें शहरी क्षेत्र को बंद करने का असर दिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून को वर्गीकृत किए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया जा रहा है। सड़क पर उतरे लोग इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बंद से अगर भारत में जो सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाया, हम लोग का बनाया हुआ जो राज्य मैंने कर रहा है उसको नहीं सुधरेगा तब तो इससे और आंदोलन होगा। आज का बंद से हम लोग चेतावनी देने के लिए आज का बंद में हम लोग पूरे गांव घर से सभी लोग आए हैं। एससी एसटी हम लोग एक हैं और
पूरे जोर से आज से बाद अगर कानून पर आज के बंद से अगर नहीं है, हम लोग का कानून को जिस तरह से तोड़ मरोड़ किया जा रहा है उसको अगर नहीं सुधारता है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके को दुकानों को भी किस तरीके से बंद किया जा रहा है। ये प्रदर्शन एक विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है। सड़कों पर लोगों का भीड़ एकत्रित हो चुका है और सड़कों को जाम कर दिया गया है। आवागमन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर ये प्रदर्शन का पूरा नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वहां एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें एससी एसटी मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी आरक्षण को वर्गीकृत किए जाने के फैसले को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के तहत बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में एससी एसटी मोर्चा, जीएमएम, कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दुकानों को बंद करते हुए सामानों को हटाते हुए का नजारा आप देख सकते हैं। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बंद का असर देखा जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून को वर्गीकृत किए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया जा रहा है। सड़क पर उतरे लोग इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में साइबर तहसील का विस्तार पूर्व प्रदेश में करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पद और सहायक वर्ग 3 श्रेणी में 3 वही शेड्यूल और नर्मदापुरम में अब ओके कमिश्नरों की नियुक्ति की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। मोहन यादव ने समस्त प्रभारी मंत्रियों को कहा कि जन्माष्टमी के पावन त्यौहार पर सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जन्माष्टमी के समारोह में भाग लेंगे। एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने के दिए हुए फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टियों ने शांतिपूर्वक अंबेडकर पार्क पर ज्ञापन दिया। ग्वालियर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रदर्शन का नजारा किस तरीके से लोग हुड़दंग मचाते हुए दिख रहे हैं। गाड़ियों को रोका जा रहा है और सड़क पर जाम लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला आपको बता दें एससी एसटी के आरक्षण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे हाथों में पार्टी का झंडा लिए लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मऊ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मलेंडी के बढ़िया गांव में हिंदू से क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के ही 6 पुरुष और 1 महिला ने कुछ ग्रामीणों के संपर्क में लगातार थे और रुपए पैसे नौकरी का लालच देकर उनसे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी लगी तब सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों ने फरियादी के साथ जाकर बड़गोंदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। पुनीत डांवर और उसके बुआ जी के लड़के दीपक और वो मानपुर से आते थे और यहाँ पे बोलते थे, बढ़िया गांव में हमारे यहाँ आते थे और बोलते थे कि आप लोग हमारे साथ में चलो वहाँ पे। क्या क्या सुविधा देंगे आप? वो बोल रहे थे कि आपको पैसे भी देंगे, आप थोड़े बहुत जो पैसे कमा रहे हो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, 15 से 20 हज़ार रुपये आप महीने के कमाओगे, हमारे साथ में चलना, आपकी किसी भी आस पड़ोस में तबीयत खराब हो तो वहाँ पे चलना, आप ठीक हो जाओगे, और भी आप आदमी जोड़ोगे तो आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे।
108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस से अवैध शराब तस्करी कर रहे दो लोगों को भीतरवार पुलिस अनुभाग के बेलगढ़ा थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया। 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के अंदर मरीज के स्थान पर अवैध शराब लाया और ले जाया जा रहा था। 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का हटर बजाते हुए अंग्रेजी और देशी शराब की पोटियां ले जा रहे थे। नाइट ग्राउंड पर थे, इसी दौरान इलाके में देवली गांव के पास भीतरवार की तरफ से गाड़ी में जो एम्बुलेंस थी उसको संदिग्ध होने पर चेक किया गया, तो उसमें 10 पेटी देसी शराब की, 4 पेटी बीएसपी का, इसमें दो आरोपी थे, दोनों गिरफ्तार करके पुलिस संगठन कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी सदस्यता अभियान के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव ने उपस्थित वहां पे रहे पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सदस्यता अभियान को संगठन पूर्व के रूप में मनाना है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के भाजपा सफल रही और प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। सभी कार्यकर्ताओं को समय देकर इस अभियान को सफल बनाया और सदस्यता अभियान में हमें उन क्षेत्रों को फोकस करना है जहां हम कमजोर रहते हैं और सभी समाज और सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना है। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाए और साथ ही पार्टी के भावी कार्यक्रमों योजनाओं के बारे में बताया जाए। साय ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रही है और भ्रष्टाचार के दोषी सिख चर्चों के पीछे जा रहे, इस तरह भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वासपूर्ण वातावरण का लाभ उठाकर हम सदस्यता अभियान को सफल बनाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने नगरनार संयंत्र को बेचने की फिर से तैयारी शुरू कर दी है। खबरें ऐसी भी हैं कि 2 महीने में निविदा बुलाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी एनएमडीसी बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने के किसी भी प्रयास का विरोध करती है। इस संयंत्र के लिए बस्तर के आदिवासियों ने अपनी जमीन एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को दी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जरिए इस जमीन का मकसद बस्तर का विकास था। वासियों ने अपनी जमीन मुआवजे के लिए नहीं दी थी, बल्कि इसलिए कि आने वाले समय में उनको रोजगार मिल सके और साथ ही क्षेत्र का विकास हो। नगरनार सिर्फ इस्पात संयंत्र ही नहीं, ये बस्तर के आदिवासियों के सुनहरे कल की उम्मीद है। लोगों ने रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा होने की उम्मीद से इस्पात संयंत्र को बनाने के सहयोग में किया था। मोदी सरकार कुछ निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने के जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस इसको लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ेगी। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष चरण दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सभी 34 विधायकों ने शिरकत की। बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में चल रही है और 24 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया, उसमें जनता के साथ सरकार की भी नजर है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के घटना को विद्वेषपूर्ण करार दिया है और कहा कि इतनी सारी धाराएं विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर लगाई गई हैं, जो पूरी तरह से निराधार है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर किसी साक्ष्य के विधायक को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस विधायकों ने विधायक देवेंद्र यादव के साथ जेल में मुलाकात भी की। उसके बाद चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ ने कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है। भाजपा ये नहीं चाहती कि उसके गलत कामों को उजागर किया जाए, इसलिए इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण पर क्रीमी लेयर और कोटा पर कोटा किए जाने के विरोध करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के संगठनों द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया। इस बंद को सफल बनाने के लिए राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। लोगों को बंद को लेकर समर्थन लोगों ने मांगा।
और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।